स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। बिहार पुलिस परीक्षा की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस परीक्षा जो है संपन्न कराई गई 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को जैसे ही परीक्षा संपन्न हुई तमाम जगहों से अभ्यर्थी आरोप लगाने लगे कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया है, प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सीएसडीसी को दोस्तों प्रूफ भी दिया, ठीक है। तो यहां पर अब बात आ गई थी कि परीक्षा कैंसिल होगी तो किस शिफ्ट की कैंसिल होगी, क्या दोनों शिफ्ट की कैंसिल होगी, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार का पुलिस का जो सिपाही भर्ती है दोनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आप लोगों का लाइक दोस्तों बताता है कि आप लोग कितने जो हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं जो नकलची हैं वो नहीं चाहेंगे कि कांस्टेबल की परीक्षा रद्द किया जाए, ठीक है। तो आप लोग अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो लाइक करके कमेंट कैंसिल का जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, इससे यह पता लगेगा कि आप लोग कैंसिल कराने के पक्ष में हैं, ठीक है। चलिए रद्द कराने के। और यहां पर दोस्तों बिहार पुलिस की परीक्षा में जब ऐसी बातें सामने निकल आई तो दोस्तों आर्थिक अपराध इकाई ने दोस्तों जमकर यहां पर लताड़ लगाई, और उनका कहना है कि कोई भी जमीनी लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इसमें बड़ी सी मछली इन्वॉल्व है तो आर्थिक इकाई कहां तक जांच करेगी, ठीक है। बहुत यह दोस्तों गंभीर और संज्ञान मामला है, इसको सरकार को लेना चाहिए। जो बड़ी मछली है उसको पकड़ना है, क्योंकि ये इंटरनली पेपर लीक हुआ है और ये अंदर से ही लीक किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग पैनिक ना होइए, आप लोगों का दोनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा, जांच अगर कमेटी बैठाई जाएगी, ठीक है। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।